Giant. Hey, welcome to my blog. आज हम आप लोगों के लिए जैकेट क्यों भेज रहे हम कहाँ जा रहे हैं? हम रामगढ़ जा रहे हैं और वहाँ से हम दिन में ही आ जाएंगे, पता नहीं रात में आ जाएंगे। और फिर कल मेरे चाचू क्या बोली चाचू आएंगे। आज तक के लिए बाय। कयाश, हम सब लोग निकल चुके हैं फाइनली। अभी कौन मिलने वाला है रास्ते में? ओ अयाश इज ऑल रेडी। अरे आ गई अयाश की बुआ। तुम्हें क्या लेकर आए हो? पिकनिक मनाने के लिए खड़ा हूँ। देखो वहाँ पर बर्फ मिल गई हमको, उधर ही जाने वाले हैं क्या हम? ओ ऐसा बर्फ है, ये देखो एकदम वाइट वाइट बर्फ दिख रही है। देखो ऊपर ऊपर वाले पहाड़ों में, वो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बर्फ है। वो ऊपर के पहाड़ तो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है अच्छे से भरे हुए हैं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं समवेयर भवाली से थोड़ा सा आगे। आई एम सी द नज़ारा, इट्स ब्यूटिफुल हियर। सब जगह में बर्फ ही बर्फ दिख रही है। सामने के आप पहाड़ देखेंगे तो वो तो बहुत ही ऑसम है। लो मैं फोटो ले रही हूँ। अयाश यार क्या है यार ये, मैंने तुझे कहा था ला शू मत पहनो। अयाश गेट अप। हाँ हाँ वो जानबूझ कर रहा, कपड़े भीग जाएंगे सारे। खड़े हो जा खड़े हो जा। ओ वाओ यहाँ ज्यादा अच्छी बर्फ है। चल 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 अयाश आप क्या बना रहे हो? इग्लू या स्नोमैन? आप स्नोमैन बनाओ ना। अयाश को आया गुस्सा। भाई ये तो ख्याल है। भाई यहाँ देखिए। अरे भाई ये देखो चटाई। अरे भाई कितना क्यूट बनाया है। देख पाऊजी ने क्या बना दिया। अजी देख पाऊजी ने क्या बना दिया। नाइस। सही नहीं बनाया। हमारे पर मत कूदना। जल्दी अब इसने फिसलने वाला कर दिया। अब देख मोना कैसे गिरती है। आ मोनिया तेज आना। भाई मैंने कहा था। और देखिए हमें कंटेंट में क्या क्या करना पड़ता है। और हर बार की तरह मोना कंटेंट देने में नंबर 1। अयांश को मत बोल वो।
क्या क्या हो रहा है? चल तू जा। बंदर की तरह जाए अंश। अरे इन सब ने इतना खेला है कि इनको भूख लग चुकी है, अब सब थक चुके हैं और आलू पूरी खा रहे हैं। वेयर इज पूरी? पूरी शायद गाड़ी में ही है। और ये हमारा पिकल और पूरी। हां जी लो 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 मुझे तुझे सुनाने के लिए तब बहुत ही सालों बाद इतनी मज़ेदार बर्फ़ गिरी है और आगे पूरा जाम है, तो अब वापस जाना पड़ेगा। तो गाड़ी कहीं पार करके घूमेंगे। ओए होए होए तो पे इतनी सारी बर्फ जमी है और वो धीरे 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 गिर रही है। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए आगे रास्ता बंद है, तो सारी गाड़ियां वहीं पे जाम लग चुका है। आयांश तो फुल टू मस्ती कर रहा है। ही इज वेरी हैप्पी एंड एंजॉयिंग वेरी मच। आयांश ने अपने पूरे कपड़े भिगा लिए गाइस। इसके शूज तो पूरे गीले हो चुके हैं, सॉक्स गीले हो चुके हैं और उसका ट्राउजर भी पूरा गीला हो चुका है, बट वो स्टिल खेले जा रहा है, खेले जा रहा है। आयांश ध्यान से देखा, ध्यान से ध्यान से। पीछे से और गाड़ियाँ आती जा रही हैं। आई डोंट नो कहाँ से हम बैक कर पाएंगे गाड़ी अपनी। देखिए कितनी गहरी बर्फ गिरी है। आयांश का शूज पूरा अंदर घुस जा रहा है। तो देखिए उस तरफ से भी गाड़ियां आ रही हैं और इस तरफ से, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। अगर ऐसे और गाड़ियां आती गई तो यहीं पे जाम लग जाएगा, बहुत खतरनाक। तब हम ट्राई कर रहे हैं कि गाड़ी को मोड़ सकें। हटाओ ना दादी उसको यार, हटेगी तभी तो हटेगी वो भी। थोड़ा सा जगह कर दो, आप बर्फ पे लगा लो, बर्फ पे लगा लो, थोड़ा ऊपर चढ़ा दो, गाड़ी तो निकल जाएगी यार। दादी ऐसी बात नहीं है, डैडी भी ना निकल जाएगी अगर उसके लिए। अरे
बर्फ अटक गई उस पे, रुको रुको पापा ध्यान से पैर पे मत लगना, चलो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, चलो चलो अब घुमा लो। हमने एक नई चीज देखी है, जाम से निकल चुके फाइनली। मैं तो बहुत मुझे खा रहा था वहाँ पर स्नो में, कभी कभी उधर कभी इधर। और आप भी गए हो तो बताओ, बहुत सारे लोग गए हैं। आयाश थक गया है बहुत ज्यादा, और अभी हम भीमताल से नीचे की तरफ को आए हैं। अब आयांश को खानी है मैगी और हम पियेंगे चाय। और ये देखिए आयांश का अपना बैठ के, आयांश अपना पजामा सुखा रहा है धूप में। भाई कितना लंबा जाम लगा ही, नहा तक लगा हुआ ही। ये है हमारी वापसी का जाम, हम तो वापस आ गए बर्फ देख कर, और अब सब जा रहे हैं बर्फ देखने। बर्फ तो नहीं पिघलेगी, लेकिन ये लोग सब जाम में जरूर फंस जाएंगे।